बंधुगण माताराणीकर आगमन हो सारी अर्थात नवरात्रि आरंभ हो सारी आम समस्ते जाणीछे कि नवरात्रि वर्षरे दुई थर आसी थाए जहाँ आम चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि रूपे जाणीअछे। एही वर्षर नवरात्रि 6 अक्टोबर बुधवार ठार आरंभ हो सारी आसंता 15 तारीख शुक्रवार पर्यंत पालन करा जिबो। हिंदू धर्म रे एही समय को अत्यंत खास बोली कहा जाई थाए। केवल एतिके नुहे भक्त माने मध्य एही दिन को चातक भली चाही रही थांती। कहा जाए कि नवरात्रि रो एही 9 दिन रे भक्त माने माँ को प्रसन्न करी थांती एवं माँ प्रसन्न होई तांकर समस्त इच्छा को पूरण करी थांती। 9 दिन रे माँ को 9टी रूप को पूजा करा जाई थाए एवं 10वें दिन दशहरा नाम रे प्रसिद्ध होई थाए। नवरात्रि वर्ष को 4 थर आसी थाए। पौष चैत्र आषाढ़ आशीन मासर प्रतिवादर यह आरंभ होई नवमी जाए पालन करा जाई थाए। नवरात्रि रो एही 9टी राति रे 3टी देवी को जथा माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती एवं माँ दुर्गांकर 9टी स्वरूप को पूजा करा जाई थाए जहाँ नवदुर्गा कहा जाई थाए। कहा जाए जे माँ दुर्गा भगवान शिव को स्वामी रूप से पाइबापी जो भाई भाव कठिन तपस्या करते ठीक से हीपरी जो महिला माने 9 दिन में माँ दुर्गा पूजा कर माँ दुर्गा से मानू विशेष वरदान प्रदान करु अनेक थर अजाणत एपरी किसी भूल हो जाए थाए जहाद्वारा माँ दुर्गा आमर पूजा असंतुष्ट होती तेणु से ही सब भूल ठारु सावधान रहिबा उचित। तेब आसतु जाणी नवरात्रि समय रे महिला एवं पुरुष माने कौन कौन सतर्कता अवलंबन करिबा उचित से वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करि पाखरे आसतिबा बेल रा आइकन को मध्य प्रेस करंतु। नंबर 1 माँ आपण को व्रत एवं पूजा पाठ करिबा पई बाध्य करंती नाही किंतु जदि आपण करुछंती तो आपण माने संपूर्ण श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास सहित करंतु। माँ को आराधना करिबा समय रे मनरे कोनोसी प्रकारर आशंका एवं दुर्भावना बिल्कुल भी करंतु नाही कारण जहार मनरे आशंका एवं दुर्भावना थाए से ही मन शांत होई पारे नाही। अशांत मनरे पूजा करिबा द्वारा कोनोसी भी फल मिलिन थाए। मनरे माँ को प्रति सबुबले सम्मानर भावना रखंतु। नंबर 2 नवरात्रि रे कौनसी भी प्रकारर अपशब्दर प्रयोग अथवा गाली देवा किंवा मिछ कहिबा वा चुगली करिबा इत्यादि खराब शब्द मुहर बाहर करंतु नाही कारण मुहरे आमे माताकर पवित्र नाम स्मरण मंत्र जप एवं आरती इत्यादि करिथाउ तेणु सेथिपाई मुहर बाहरुथिबा प्रत्येक शब्द पवित्र हेबा दरकार। नंबर 3 नवरात्रि रे कौनसी प्रकार निशा द्रव्य किंवा आमिष सेवन करिबा अनुचित होइथाय कारण यह द्वारा मनुष्यर तार मन एवं मस्तिष्क उपरे नियंत्रण रही नथाय सेथिपाई आपण जेते संभव सात्विक आहार खाइबा को चेष्टा करंतु एवं खटा जातीय जिनिष जमा भी सेवन करंतु नाही। नंबर 4 कौनसी असहाय लोक किंवा कन्या को आपण घरु खाली हाथ में जीवाक दिंतु ना कहार भी साय द्वारा माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती तेणु कौन भी असहाय लोक कले माँ कृपा आपण को निश्चिंत प्राप्त एवं कन्या तो माँ स्वयं स्वरूप होती दिन मानक माँ कन्या रूप से विचरण करणु जदि कौन कन्या आम घर खाली हाथ में चली जाए तो बुझी जातु कि माँ को ही आमे खाली हाथ में जीवाक देलु तेणु आपण निजर सामर्थ्य अनुसार गरीब लोक मानू सा करतु। नंबर 5 एही दिन मानक बाल काटिबा नख काटिबा एवं दाढ़ी काटिबा अनुचित होइथाय कारण बाल एवं नख को बढ़ेबारे आमर शरीर ऊर्जार प्रयोग होइथाय एणु यही समय रे उपवास आदि करुथिबा लोक मानू शक्ति बहुत आवश्यकता होइथाय। नंबर 6 चमड़ार वस्तु जेपरी बेल्ट
ପର୍ସ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ବନାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମାହାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ସେଭେନ, କଳସ କିମ୍ବା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ଯଦି ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କରି ଘରକୁ ବନ୍ଦ କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। କଳସ ଯିଏକି ଆମର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀର ଧକାରେ ଏହା ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିପାରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ମାଆ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର ଏଇଟ, ମାଆଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପାଠ କରିବା, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆଦି ପୁରା ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିୟମର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼େ ତ ମଝିରେ କେବେ ଉଠିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କାହା ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ନାଇନ, ଦିନରେ ଜମା ବି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ନବରାତ୍ରିର ସମୟରେ ଦିନରେ ଶୋଇବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର ଟେନ୍, ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଜାତି ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।